हेलो एवरीवन, मैं राय। आप सभी का राय ऑनलाइन एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। राय ऑनलाइन एकेडमी एक ऐसा चैनल है जहां पर आपको क्लास 10 से 12 के साथ पॉलिटेक्निक एंट्रेंस सेमेस्टर एवं कंपटीशन का सारा स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री में अवेलेबल करवाया था। तो देखिए, आज की क्लास में हम लोग डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट में सेकंड यूनिट का एक आपका लास्ट टॉपिक था आपका डिजाइन प्रोसीड्योर ऑफ फुट हैंड लीवर, जिसको आज हम लोग कवर करेंगे। तो इस लाइव सेशन को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, है ना। तो फटाफट शेयर कीजिए और साथ में लाइक बटन प्रेस कर दीजिएगा, है ना। चलिए स्टार्ट हम लोग करते हैं। हम लोग स्टार्ट एक पंक्ति से करेंगे। गांव के हूं तो गवार समझे हो क्या, गांव के हूं तो गवार समझे हो क्या, नौकरी मांग रहा हूं तो बेरोजगार समझे हो क्या, वादा कर कर मुकर जाऊंगी हमको का नीतीश चाचा के सरकार समझे हो क्या। तो खैर, ये हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं डिजाइन प्रोसीड्योर। तो सबसे पहले इसका हम लोग प्रोसीड्योर या डिजाइन प्रोसीड्योर किस तरह से निकालते हैं, उस पर हम लोग बेस्ट न्यूमेरिकल को साथ साथ सोल्व करेंगे। हम लोग को टाइम का मैनेजमेंट का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो कहता है, ए फुट लीवर इज एक मीटर लंबा, एक मीटर यहाँ से लंबा आपको दिया, सेंटर फ्रॉम शाफ्ट टू द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ 800 किलो न्यूटन, लोड का वैल्यू आपका 800 न्यूटन दे दिया, फाइंड द डायमीटर ऑफ शाफ्ट, डायमेंशन ऑफ की रेक्टेंगुलर आर्म्स ऑफ फुट लीवर एट 60 mm फ्रॉम द सेंटर ऑफ शाफ्ट, अज्यूम विड्थ ऑफ आर्म्स इज 3 times थिकनेस एंड टेक सिग्मा टी इज इक्वल टू 73 MPa एंड शेयर स्ट्रेस इज इक्वल टू आपका 70 MPa। तो ये आपका हो गया डिजाइन, है ना। तो इस तरह से हम लोग देखें, यानी कि ये आपका हो गया, यहाँ से आपका लोड लग रहा है, यहाँ से यहाँ के बीच सेंटर लाइन से बीच की दूरी को एल कहेंगे और यहाँ से यहाँ के स्मॉल एल कहेंगे, और सबसे जो मेन पोर्शन होता है ना, उसको हम लोग डी, इसका डायमीटर डी मानेंगे, उससे ऊपरी को डी1 मानेंगे, और फाइनली जो होगा उसको हम लोग डी2 मानेंगे, यानी आउटर डाय होगा, जो आउटर जो अरेंजमेंट होगा उसको हम लोग डी2 मानेंगे, है ना। और डी2 बराबर हम लोग फॉर्मूला जानते हैं 1.6 इंटू डी होता है। तो खैर, हम लोग इसको सोल्व करेंगे। तो गिवन डाटा में हम लोग एल का मान दे दिया 1 meter, तो एल का मान आपका यहाँ से आके बीच 1 meter है, लोड का वैल्यू 800 N, सिग्मा टी का वैल्यू आपका दिया हुआ है और टाउ का भी वैल्यू है। तो हम लोग सबसे पहले स्टेप 1 में कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ शाफ्ट डी, अप्लाई रिलेशन से हम लोग यानी शाफ्ट का डायमीटर निकालेंगे, और यानी अप्लाई रिलेशन से तो हम लोग ट्विस्टिंग मोमेंट, मोमेंट हम लोग जानते हैं, तो मोमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू लेंथ, यानी फोर्स इंटू लेंथ, जहां से आपका मान ली फोर्स, यहाँ से आपका ट्विस्ट हो गया, यानी कि यहाँ से इस पोर्शन से मान ली घूम रहा है ना, तो इस यहाँ से लेकर यहाँ जो लेंथ है उस इंटू आपका जितना भी एफर्ट लग रहा है, फोर्स लग रहा है, उसको गुणा कर लेंगे। तो हम लोग टी इक्वल टू, हम लोग जानते हैं टी इक्वल टू पी इंटू एल हो गया, और पी का वैल्यू आपका 800 यहाँ देख लीजिए पुट कर देंगे, 800 इंटू एल का वैल्यू देख लीजिए ए, है ना, यानी 800 इंटू एल हो गया आपका, क्योंकि हम लोग को एमएम में चाहिए, तो यानी कि 1000 से गुना कर देंगे, यानी 1000 mm बराबर 1 meter, और 1000 mm होता है, तो यहाँ से आपका न्यूटन एमएम हो जाएगा, है ना। तो ये आपका हो गया, आप यहाँ से पुट करके कैलकुलेटर में पुट कीजिए, खुद से भी पुट करके निकाल सकते हैं। तो पुट करना है 800 × 1000 आपका आ गया 80 × 10⁴ न्यूटन mm, है ना, ये हो गया। अब उसके बाद हम लोग निकालेंगे, तो यहाँ से हम लोग को ट्विस्टिंग मोमेंट निकलाना, निकला हम लोग को निकालना है डायमीटर, निकालना है डायमीटर हम लोग किस तरह से निकालेंगे। तो फिर उसके बाद अल्सो हम लोग जानते हैं टॉर्सनल इक्वेशन, हम लोग थर्ड सेमेस्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि टॉर्सनल इक्वेशन बराबर होता है टी बटे जे टाउ थीटा बटे आर, टाउ बटे आर और जी बराबर जी थीटा बटे एल होता है हम लोग फॉर्मूला, यानी कि टॉर्सनल इक्वेशन बराबर होता है टी बटे जे बराबर टाउ बटे आर बराबर जी। तो हम लोग को इसका कवर करेगा, इस पोर्सन को हम लोग टी यहाँ से निकाल जाएगा, और यहाँ से वैल्यू को टाउ का वैल्यू आपका दिया हुआ है, तो 70 × j का भी आपका हम लोग जानते हैं j का वैल्यू कितना होता है, तो 5/16, है ना, क्रॉस सेक्शन है तो 5/16 हो गया आपका, 5/16 आपका हो गया, यानी कि j कह रहा है तो 5/16 dq,
डी यहाँ क्यू हो गया, यानी कि हम लोग जानते हैं पाई बाई 16 डी क्यू होता है। और उसके बाद हम लोग अब देखेंगे और साथ में हमारे लोगों को इसमें क्या हो गया एल, यहां से टॉर्शनल इक्वेशन निकल जाएगा हम लोगों को, है ना। टी इक्वल टू आपका निकल गया टी जे इंटू, और टाउ का वैल्यू तो हम लोगों को 70 लिखना नहीं है, सबसे पहले हम लोग जे इक्वल टू हम लोग जानते हैं पोलर मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया है ना, जे इक्वल टू पाई बाई 64 नहीं पाई बाई यानी जे ने कह रहा था पाई बाई इंटू डी के पावर 4, और यहां हम लोग को वैल्यू को पुट करना है तो टाउ हो गया आपका, तो आपका पाई बाई 32 इंटू डी के पावर 4। हम लोग आर इक्वल टू जानते हैं डी बाई 2 होगा, यहां से 16 हो गया और ए से आपका कट गया, यानी पाई बाय आपका हो गया 16 डी क्यू यानी टाउ आपका ए हो जाएगा, है ना। तो यानी कि टाउ से हम लोग गुना कर देंगे। अब यहाँ का हम लोग इक्वेशन एक मान लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट यानी कि इक्वेशन एक आपका निकल गया और इक्वेशन एक यहाँ से आपका निकला, इक्वेशन एक और इक्वेशन दो। अब इक्वेशन टी इक्वल टू भी आपका देखे और यहाँ भी हम लोग को वैल्यू जो आया टी का ही वैल्यू आया और यहाँ भी टी का, तो हम लोग इक्वेशन एक और दो से सोल्व करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि लेफ्ट साइड अगर सेम है तो राइट साइड भी सेम होगा, यानी कि 80 इंटू 10 के पावर 4 बराबर आपका हो गया पाई बाई 16 डी क्यू इंटू टाउ, है ना। तो यहां से हम लोग को डी के डायरेक्टली यहां से हम लोग निकाल सकते हैं, तो अंडर रूट हो जाएगा, यानी कि अंडर रूट के बाद हम लोग डायरेक्ट इसमें आप कर सकते हैं, यानी कि डी थ्री हो गया तो डी थ्री यही रहने देंगे और ये 16 है पर गुना हो जाएगा, यानी 80 गुने 10 के पावर 4 इंटू में आपका 16 होगा गुना में, साथ ही टाउ है तो नीचे भागा लग जाएगा पाई इंटू आपका टाउ का वैल्यू आपका हो गया 70, टाउ का वैल्यू आपका 70 है, और इसको इस तरह से हम लोग कर देंगे तो ये आपका निकल जाएगा, यानी कि डी का वैल्यू यहाँ आपका फाइनली यहाँ लिख देते हैं हम लोग, डी इक्वल टू आपका आ जाएगा, तो आप खुद से भी कर सकते हैं। तो आपका 38.75 इसको हम लोग अब 40 के इक्वल मान लेते हैं, 40 हो गया। अब हम लोग सेकंड स्टेप में चलेंगे, यहाँ तक आप लोग समझ रहे होंगे, हम समझ चुके होंगे, यानी कि हम लोग को वैल्यू आ गया डी का वैल्यू 40 है। अब सेकंड स्टेप में हम लोग कैलकुलेट आउटसाइड डायमीटर, यानी कि जो आउटसाइड डायमीटर डी टू उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो हम लोग डायरेक्ट इसको फॉर्मूला जानते हैं 1.6 गुने डी का वैल्यू 40 आ गया, तो 40 से गुना कर देंगे तो यानी कि 64 mm आ गया, यानी कि 16×64 आपका डी टू का वैल्यू आ गया, आप कितना डी टू का वैल्यू आपका 16×64, फिर कहता आपका डी टू इक्वल टू 64 mm। अब हम लोग स्टेप तीन में जानेंगे, तो टी टू यानी कि जो कैलकुलेट द थिकनेस ऑफ बॉस, ये जो सेक्शन देख रहे हैं गोल उसको जो हम लोग इसको नाम, इसका नाम है बॉस BOSS, है ना। तो इसके लंबाई को निकालेंगे और साथ ही इसका थिकनेस कितना है, तो हम लोग यानी कि इसके थिकनेस को टी टू माने, तो टी टू इक्वल टू फॉर्मूला हम लोग इम्पेरिकल रिलेशन है, इसको याद केवल करना, ऐसा नहीं कि इसको सीध करने बैठ जाना है कि टी टू इक्वल टू 0.3 डी कहाँ से आता है ना, तो ये आप खुद से इसको याद करने की जरूरत है। तो हम लोग डायरेक्ट वैल्यू को पुट करेंगे इंटू डी का वैल्यू 40, यानी कि आपका हो गया 40 यानी कि 12 mm, यहां से आपका वैल्यू आ गया 12 mm, पुट कर सकते हैं आप खुद यहां से, उसके बाद हम लोग अब देखेंगे स्टेप फोर में चलेंगे। तो स्टेप फोर में कहता है कैलकुलेट द लेंथ, यानी कि जो लंबाई देख रहे हैं बोस का उसका लंबाई हम लोग जानते हैं, यानी कि L2 = 1.25 इंटू डी, यानी कि 1.25 इंटू 40 से गुना कर देंगे तो आपका आ जाएगा 1.25 इंटू 40, यानी कि 50 mm आके आ गया आपका आंसर, 50 mm आपका हो गया। उसके बाद हम लोग स्टेप फाइव में चलेंगे, तो स्टेप फाइव में सब समझने की जरूरत है, तो आप खुद अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो स्टेप फाइव में हम लोग कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ शाफ्ट 8 सेंटर ऑफ बेयरिंग D1 कंसिडरिंग द शाफ्ट इन
इन कंबाइंड है ना, इन क्या कंसीडर करना, इन कंबाइंड बेंडिंग करना और ट्विस्टिंग बेंडिंग मोमेंट करना। तो हम लोग जानते हैं कि बेंडिंग मोमेंट इवन ऑन शाफ्ट यानी कि बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला हम लोग क्या होता है, तो यहाँ से यहाँ का जो बेंडिंग मोमेंट हो रहा है ना, तो आपका हो गया था एम इक्वल टू हो गया आपका पी इंटू स्मॉल एल, पी इंटू स्मॉल होल हो गया, फिर ट्विस्टिंग मोमेंट ऑन शाफ्ट हो गया था टी इक्वल टू पी इंटू, यानी कि लोड दोनों का सेम ही लग रहा लेकिन लंबाई में आपका फर्क होना चाहिए। तो आपका ये हो गया आपका बेंडिंग मोमेंट में लंबाई स्मॉल एल लग रहा और आपका हो गया ट्विस्टिंग मोमेंट में आपका कितना लग रहा है, तो यानी कि कैपिटल एल लग रहा है, यानी कि पूरा लंबाई लग रहा है, ट्विस्ट कर रहा है यानी है ना। तो ये हो गया आपका। तो उसके बाद हम लोग दोनों को इक्वलेंट मान लेंगे यानी कि मीन मान लेंगे, क्योंकि हम लोग के पास दो को आ गया आपका मोमेंट आ गया, एक बेंडिंग मोमेंट आ गया और एक आ गया ट्विस्टिंग मोमेंट। तो हम लोग इक्वलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट मीन निकाल लेंगे, तो हम लोग टी मीन यानी कि टी एम से हम लोग टी मीन समझेंगे। टी एम मीन इज इक्वल टू फॉर्मूला हम लोग जानते हैं अंडर रूट एम स्क्वायर यानी कैपिटल एम स्क्वायर प्लस कैपिटल टी स्क्वायर। तो ये हो गया। अब उसके बाद दोनों जगह पी है तो हम लोग पी को बाहर निकाल लेंगे तो स्क्वायर से बाहर हो जाएगा चूंकि स्क्वायर में होगा। तो यहाँ से आपको निकल गया स्मॉल एल अंदर में रह जाएगा अंडर रूट स्मॉल एल के स्क्वायर प्लस कैपिटल एल के स्क्वायर। तो ये हो गया, ये वो आपका इक्वेशन निकल गया। तो इसको इक्वेशन थर्ड हम लोग मान लिए। अब उसके बाद देखिए टॉर्सनल स्ट्रेंथ ऑफ शाफ्ट, इसके बाद हम लोग डायमीटर निकालेंगे। तो टॉर्सनल स्ट्रेंथ हम लोग जानते हैं कि हो गया आपका पाई बाई 16 कैप डी के क्यूब होता है, यानी कि यहाँ डायमीटर कौन है तो डी वन डायमीटर इंटू टाउ। अभी हम लोग इसको अभी कवर किए, यहाँ से हम लोग को निकालें है ना, यानी कि टी यहाँ से हम लोग अभी क्या निकालें, तो ये फॉर्मूला निकाले। देखिए यही चीजें है, केवल यहाँ डायमीटर डी वन है तो यहाँ डी क्यू हो गया, तो ये आपका इक्वेशन फोर हो गया। अब हम लोग देखेंगे डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगुलर आर्म्स ऑफ फुट लीवर एट 60 एमएम फ्रॉम द लेंथ ऑफ शाफ्ट एंड विथ 8.3 टी। इक्वेशन एक और दो से हम लोग को वहां वैल्यू को पुट करेंगे। अब देखिए यहाँ से देखिए यहाँ से हम लोग को D1 का वैल्यू निकालना है इसमें सेकंड फाइव स्टेप में। तो चूंकि दोनों जगह सेम ही चीज है तो इक्वेशन एक और दो से हम लोग को लेफ्ट साइड पर इक्वल होगा तो राइट साइड इक्वल ही होगा, तो लेफ्ट साइड वाला इक्वल। तो यहाँ से हम लोग D का वैल्यू पुट करके डायरेक्ट हम लिख देते हैं। यहाँ से आपका देखिए इस तरह से कैलकुलेट कीजिएगा तो इतना आ जाएगा फॉर्मूला में, और यहाँ से आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कीजिएगा तो आएगा। तो आपका D1 का हम लोग वैल्यू लिख देते हैं डायरेक्ट, यानी कि 38 पॉइंट आपका आ गया 81 एम एम। तो इसको हम लोग 40 के इक्वल मान लेते हैं है ना, यानी कि इसका जो इक्वल होगा 40 या इसको 42 भी मान सकते हैं, यानी 40 या 42 कुछ भी मान सकते हैं इक्वल होगा। अब उसको हम लोग बाद में सिक्स स्टेप में चलेंगे तो कैलकुलेट द डायमेंशन ऑफ जो वहां की लगेगा, इसमें जो की लगेगा उसका हम लोग डायमेंशन निकालेंगे। तो सबसे पहले विथ निकालेंगे है ना, विथ चौड़ाई निकालेंगे। तो विथ इक्वल टू हम लोग फॉर्मूला इसको याद करना है आपको है, यानी कि आपको सिद्ध करने बैठ जाना, इसमें आपको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। आपको जब सिद्ध करना है तो आप बीटेक जब कीजिएगा तो इसको आपको फुर्दा सिद्ध करने के लिए दिया जाएगा, केवल हमको इम्पेरिकल रिलेशन से हम लोग को इसको याद करना है। तो यानी कि विथ डब्ल्यू इक्वल टू डी वाई फोर हो गया, तो डी वाई फोर यानी कि हम लोग का डी डायमीटर देखिए कितना हम लोग को निकाला है 40, तो 40 से 4 से भागा दे देंगे तो यानी 10 एमएम का विथ आ गया। उसी प्रकार 6 से भागा दे देंगे 40 में, चालीस भागा 6 हो गया आपका यानी 6.66 यानी कि 7 के इक्वल आ गया, यानी 6.66 हो गया। इसको हम लोग 7 mm मान लेते हैं। उसके बाद L1 के वैल्यू निकालेंगे तो L1 के आपका वैल्यू देखिए तो अप्लाइंग शेयर स्ट्रेस ये टूटेगा तो ये आपका P इंटू L1 हो गया, टाउ इंटू W हो गया L1 इंटू D2। तो यहाँ से L1 कॉमन कर लेंगे और वैल्यू को पुट कर देंगे तो यहाँ हम लोग का 55 यानी कि 57.1 आया, तो यहाँ हम लोग 58 mm मान लेते हैं। उसके बाद हम लोग स्टेप 8 में चलेंगे। तो आप सभी यहाँ तक फटाफट इसको राइट डाउन कीजिए और उसके बाद हम लोग इसको क्लीन करके हम लोग सेकंड यानी कि स्टेप सेकंड में चलेंगे। और ये आपका है ना, तो आप इसको फटाफट इसको राइट डाउन कॉपी में कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग इसको क्लीन करते हैं, वीडियो को पॉज करके उतार लीजिएगा। अब उसके बाद हम लोग स्टेप 7 में चलते हैं। या फिर आप बाद में चूंकि आप लाइव देख रहे हैं तो आप वीडियो को पॉज नहीं कर सकते, पॉज कीजिएगा तो आपको दिक्कत होगा। तो आप केवल सिर्फ आप समझिए और समझने के बाद आप खुद इसको बाद में आप इसको राइट डाउन कर लीजिएगा एक बार है ना। तो आप सबसे पहले समझ लीजिए, सेकंड स्टेप को हम लोग समझेंगे।
इसके बाद हम लोग सेकंड स्टेप में चलेंगे। सेकंड स्टेप में आपका देखिए क्या कहता है, तो सेकंड स्टेप स्टेप सेकंड में लिख देते हैं स्टेप। सेकंड में आपका कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द विड्थ ऑफ लीवर लीवर नियर टू वॉश, यानी नियर टू वॉश एंड थिकनेस टी, थिकनेस टी हो गया आपका। अप्लाई द रिलेशन, उसके बाद हम लोग रिलेशन को अप्लाई करेंगे। तो यहां से आप देखिए इस तरह से आपका एक सेक्शन है तैयार हो गया। है ना, तो ये आपका एल हो गया, एल माइनस 60 एल। चूंकि देखिए आप ये कैसे लिख दिए, तो आपको सीधा समझना है यहां से पूरा जो लेंथ आप देख रहे हैं ये आपका 60, यानी कि जब पूरा यहाँ आप लेंथ है उसको वैल्यू आपका दे दिया है, यहाँ से यहाँ का बीच का डिस्टेंस आपका 60 mm दिया है। तो लेकिन हम लोग को यही चाहिए, तो 60 में से यानी कि एल के वैल्यू में से हम लोग को 60 निकाल देना। तो देखिए यहाँ से आपका दिया हुआ 60 mm, देखिए आपका दिया हुआ क्वेश्चन में ही, हाँ ये देखिए आपका लीवर का 60 mm दिया, लेकिन हमको लंबाई नहीं इसका चाहिए, यानी एल माइनस 60 कर लेंगे। अब हम लोग देखेंगे यहाँ से बेंडिंग मोमेंट से निकालेंगे, तो बेंडिंग मोमेंट ऑन लीवर, तो एम इक्वल टू हम लोग पी इंटू एल होता है ना, तो पी का पी हो गया, एल का वैल्यू यहाँ लिख देंगे एल माइनस 60। अब यहां से हम लोग को वैल्यू को पुट करेंगे, तो यहां से आपका हो गया पी का वैल्यू 800 इंटू, अब देखिए एल का वैल्यू आपका 1000 निकल का है अभी, और 60 आपका हो गया, यानी कि गुना करने पर एम का वैल्यू आपका आ रहा है 752 इंटू 10 के पावर 3 न्यूटन mm, है ना। तो अब उसके बाद हम लोग यूजिंग करेंगे, यूजिंग आप करेंगे यूजिंग बेंडिंग इक्वेशन, इक्वेशन इक्वेशन से आप देखें हम लोग जानते हैं m बटे सिग्मा टी बटे वाई, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं एम बटे टी सिग्मा टी बटे वाई फॉर्मूला जानते हैं। तो यहां से हम लोग एम इक्वल टू निकालेंगे, तो टी आ जाएगा गुना में टी इंटू सिग्मा टी बटे वाई आ गया। अब टी का वैल्यू देखिए यहां से आप टी खुद से, यानी कि सिग्मा टी का वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाला है, सॉरी यहाँ टी नहीं एम बटे आई होता ना है फॉर्मूला में, टी का सॉरी मिस्टेक हो गया, एम बटे आई हम लोग जानते हैं, यानी कि बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला एम बटे आई सिग्मा टी बटे वाई होता है ना। तो एम बटे वाई ये आपका आई का वैल्यू यहाँ आपका कितना हो जाएगा, तो हम लोग का वैल्यू पुट करेंगे, यानी कि सिग्मा यहाँ देखिए एम का वैल्यू आपका आ गया कहाँ, एम का वैल्यू यहाँ आ गया आपका, एम का वैल्यू आपका आ गया यानी कि 752 इंटू 10 के पावर 3 यहाँ से, उसके बाद सिग्मा टी का वैल्यू आपका 73 हो गया इंटू 1/6 आप देखेंगे टी और वी के स्क्वायर। तो यहाँ हम लोग टी का निकाल देंगे, डायरेक्ट निकल जाएगा यानी कि 19 mm, यानी कि 20 mm हम लोग मान लेंगे इसको, और ये आपका हो गया बी इक्वल टू हम लोग 3 टाइम्स दिया हुआ है, तो 20 गुने 3 आपका हो गया 60। सबसे पहले जानेंगे कि आखिर ये निकला कैसे, यानी ये जो आई इक्वल टू हम लोग वैल्यू इतना लिखे तो कैसा निकला, तो ये देखिए इसको रफ में लिख लीजिएगा टेक, है ना, इसको हम लोग सबसे पहले निकालेंगे आखिर इतना निकला कैसे, तो इसको हम लोग जानेंगे एक्स इक्वल टू हम लोग जानते हैं कितना हो गया आपका फॉर्मूला, यानी एक्स में हम लोग एक्स और वाई में हम लोग जानते हैं कितना t इक्वल टू 12, है ना, t स्क्वायर इंटू 12 हम लोग जानते हैं, और इसी प्रकार y का भी होता है आपका x y के एक्सिस में, तो t के स्क्वायर बटे 12 हो जाएगा आपका। और उसके बाद हम लोग यहां से निकालेंगे क्या, यहां से y इक्वल टू हम लोग
जो वाई डिस्टेंस है तो ये आपका बी हो जाएगा, यानी कि जो वाई इसमें आपका डिस्टेंस देखिए जो वाई रहता है उसका क्या तो बीथ बीथ के आधा होता है तो ये होगा। और उसके बाद यहाँ पुट हम लोग जब कर देंगे थिकनेस के वैल्यू में, और यहाँ सिग्मा बेंडिंग इक्वल टू आपका सिग्मा टेंसाइल है ना, तो यहाँ से हम लोग को वैल्यू को पुट कर देंगे जेड इक्वल टू, यानी कि जेड इक्वल टू हम लोग को वैल्यू कितना आ जाएगा, एक बटे बाईस होता है सेक्शन मॉडुलस होता है ना, सेक्शन सेक्शन मॉडुलस बराबर जानते हैं लोग जेड इक्वल टू 1/y होता है। तो यहाँ से हम लोग को निकल गया तो टी के स्क्वायर बटे 12, यानी कि टी के स्क्वायर बटे 12 को ही हम लोग लिखे हैं तो 2 से यानी कट जाएगा, यानी कि आपका 2 से कट जाएगा तो यानी कि हम लोग निकलेगा 6, यानी कि हम लोग इस ये आपका रफ है इसको समझने के लिए हम लोग बनाए। तो ये आपका फाइनली आपका डिजाइन पर छोड़ गया और इस पर बेस्ट न्यूमेरिकल को हम लोग को सोल्व कर दिया। तो आप इस पर अधिक से अधिक इसको कॉपी पर राइट डाउन कर लीजिएगा, उसके बाद आप इस पर एक बेस्ट न्यूमेरिकल खुद से आप सोल्व कीजिएगा। ये सब आपको एग्जाम में इससे तो कम चांसेस है, लेकिन आपको इसका जनरली आपको एक एप्लीकेशन ही पूछता है, लेकिन हम लोग आपका पढ़ा दिए इसके सिलेबस में है तो हम लोगों ने पढ़ा दिया, लेकिन आपको पूछेगा नहीं, फिर भी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप इस अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और तब तक मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक ले जाएं।